नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी 11th क्लास का 13th लेसन है। उष्मागतिकी के बारे में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अपन को पढ़नी पड़ेगी। उष्मागतिकी में पहली जो परिभाषा आती है वो है उष्मा की, उष्मा। अब उष्मागतिकी में उष्मा के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो उष्मा होती क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अभी कैसे उत्पन्न होती है? जब किसी पदार्थ के अणु घूर्णन गति, स्थानांतरित गति या कंपन गति करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को ही बोलते अपन उष्मा, हीट। जब पदार्थ के अणु स्थानांतरित या घूर्णन या कंपन गति करते हैं तो उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। उस गतिज ऊर्जा के कारण जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को बोलेंगे अपन उष्मीय ऊर्जा। उष्मा एक प्रकार क्या है? ऊर्जा ही है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गई उष्मा के बारे में। अब बात करते हैं ताप के बारे में। ताप क्या है? ताप वह भौतिक राशि होती है जो उष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण करती है। उष्मा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है इस बात का निर्धारण कौन करेगा? ताप। ये ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो जिनको अपन इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे विभव, विभव क्या होता है? आवेश के संचरण की दिशा का निर्धारण करता है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ऐसे हुआ दाब से गैस किधर से किधर जाएगी तो गैस हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होगी। पानी, पानी कैसे गति करेगा? उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होगा। वैसे ही उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होगी। तो उष्मा की दिशा का निर्धारण कौन करता है? ताप। और उष्मा कैसे उत्पन्न हुई? कोई पदार्थ है, पदार्थ के अणु जब स्थानांतरित गति करे, गुणन गति करे या कंपन गति करे तो उस गति से संबंधित जो उनकी गतिज ऊर्जाएं होती है उस गति ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो एक कहलाएगी उष्मा। ताप क्या हो गया? वह भौतिक राशि जो उष्मा संचरण की दिशा का निर्धारण करे वो कहलाएगा ताप। और उष्मा हमेशा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है। सुनो, कोई भी वस्तु ठंडी या गर्म कैसे पता चलता है? और इस बात पर निर्भर करता है कि उष्मा का संचरण किधर से किधर हो रहा है। जैसे मैं एक गर्म छड़ को हाथ लगा रहा हूँ, उसको टच कर रहा हूँ या हाथ में ले रहा हूँ, उसको स्पर्श कर रहा हूँ, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और मेरा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे मैं उसको हाथ में लूंगा तो वहां तो है उच्च ताप और मेरी बॉडी का या मेरे हाथ में जो मेरा खुद का ताप है वो है 40। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का क्या होगा? संचरण होगा। अब जब उष्मा वहां से यहाँ पर आएगी तो मुझे गर्माहट उत्पन्न होगी और वहां पर उष्मा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यही कारण होता है कि अपनी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब सर्दियों के दिनों में जब वातावरण का ताप 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वातावरण का कम होता है। तो अपनी बॉडी से टेम्परेचर यानी कि उष्मा कहाँ जाएगी? निम्न ताप की ओर, वातावरण की ओर। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का संचरण होगा तो अपनी बॉडी से उष्मा उत्सर्जित होगी, इस कारण अपन को ठंडक महसूस होगी। गर्मियों के दिनों में उल्टा होता है, वातावरण का ताप टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, से मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस और अपना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उष्मा बाहर से अपने पास आ रही है तो उष्मा का संचरण कहाँ से होगा? वातावरण से बॉडी की ओर, अपनी ओर, इस कारण अपन को गर्मी महसूस होती है। और चीज पता है अपन, मैं बताऊं आपको तो जो ये ट्यूबवेल होता है उसमें से जब अपन पानी बाहर निकालते हैं तो होता क्या है? गर्मियों के दिनों में तो ठंडा महसूस होता है और सर्दियों के दिनों में गर्म। ऐसा क्यों है? सर्दियों के दिनों में वातावरण का ताप तो कम होता है और पृथ्वी के अंदर का ताप ज्यादा होता है। तो जब टेम्परेचर नीचे का ज्यादा है तो वो गर्म होगा और जो वातावरण का है वो तो क्या है? कम है। और गर्मियों के दिनों में वातावरण का ताप बढ़ जाता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि पृथ्वी के जो अंदर
जो पृथ्वी का तल है उससे कुछ नीचे, ज्यादा दूरी नहीं, कुछ नीचे गहराई पर जो ताप है उससे ज्यादा होता है। इस कारण गर्मियों के दिनों में बोरवेल का जो पानी है वो अपन को, या कुएं का जो पानी है वो अपन को ठंडा महसूस होता है। कारण और नहीं है, यही है उष्मा संचरण का, क्योंकि उष्मा का जो प्रवाह होगा वो ताप निर्धारित करेगा। उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः ही उत्सर्जित या स्वतः ही संचरित होती रहती है। और भी है इसके, जब अपन कोई छड़ है इससे बड़ी ये यहाँ तक, इस छड़ को यहाँ से गर्म करें तो स्वतः ही उष्मा धीरे धीरे धीरे, लोहे की छड़ हो चालक हो तो धीरे धीरे उष्मा यहाँ पहुंच जाए, और अपन जब इसको यहाँ से पकड़ते हैं तो अपन को भी गर्माहट महसूस होती है। ये चालक छड़ में होगा ऐसा। और उदाहरण समझाऊं मैं आपको, मानते हैं दो बेंच है, एक तो लोहे की है और एक लकड़ी की है, किसी गार्डन में रखी हुई है। अपन जाकर लकड़ी की बेंच पे बैठते हैं गर्मियों के दिनों में तो इतना कुछ महसूस नहीं होगा, हल्की सी गर्माहट। लेकिन यदि अपन लोहे की बेंच पे बैठते हैं तो गर्मियों के दिनों में जब अपन लोहे की बेंच पे बैठे और धूप हो, दिन के 12 बज रहे हो, तो कुछ ऐसा अनुभव होता है, कुछ मजा आनंद आ रहा है अपन को जैसे बैठते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि चालकों में उष्मा का संचरण ज्यादा होता है, क्योंकि अपनी बॉडी भी चालक और बेंच भी चालक, तो उष्मा का संचरण सर्वाधिक होगा। और अपनी बॉडी चालक है और लकड़ी की जो बेंच थी वो कुचालक है, तो वहां उष्मा का संचरण कम होगा। इस कारण उष्मा का संचरण कम होगा तो अपन को इतनी गर्माहट नहीं लगेगी जब अपन लकड़ी की बेंच पर बैठते हैं। लेकिन यदि आप लोहे की बेंच पर बैठते हो तो वहां पर ज्यादा गर्माहट मिलेगी और आनंद भी ज्यादा ही आएगा बैठने का। चलिए आगे बात करते हैं, ताप तो हो गया, अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी का, शून्यांक के नियम या शून्य नियम। अभी दो टॉपिक पढ़े हैं, ऊष्मा और ताप। ताप के बारे में बता दिया मैंने, अलग अलग ताप के माने होते हैं, जो अपन इससे पहले जो लेसन 11 का लेसन नंबर 12 उसमें पढ़ेंगे, ये लेसन नंबर 13 है। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम होता क्या है, सुनो दोस्तों, ऊष्मागतिकी का जो शून्यांक नियम है ये क्या कहता है, यहाँ पर 3 निकाय है, निकाय ए, निकाय बी और निकाय सी। ये निकाय